दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कामरा, एक लाइफ कोच, ट्रेनर एंड एक बिजनेस कोच, जो स्वागत करता हूं आप सबका इस YouTube चैनल की बिजनेस स्ट्रेटेजी की इस सीरीज के नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं फिश फिलॉसफी के ऊपर। दोस्तों, क्या आपने सुना है, एक छोटी सी कंपनी जो कि बैंक करप्ट होने जा रही थी और देखते ही देखते वो एक मिलियन डॉलर कंपनी बन गई। दोस्तों, एक छोटी सी शॉप जो कि एक वर्ल्ड फेमस शॉप बन जाती है। दोस्तों, ये कमाल है सिर्फ फिश फिलॉसफी का। दोस्तों, फिश फिलॉसफी एक ऐसी बिजनेस टेक्निक है जिसका एकमात्र उद्देश्य है लोगों के बीच में हैप्पीनेस क्रिएट करना और उनको उनकी हाईएस्ट स्टेट तक ले जाना है। दोस्तों, चाहे वो लोग बिजनेस में हों, चाहे वो जॉब कर रहे हों, एक ऐसा वर्क कल्चर, एक ऐसा एनवायरनमेंट, खुशनुमा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जिससे कि लोग वो सब कुछ पा सकते हैं जो वो पाना चाहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर हम किसी भी काम को शिद्दत से करते हैं तो हम उसको आसानी से पा सकते हैं। ऐसे ही हम ऐसे करते करते हम सफलता की नई ऊंचाइयों को छू लेते हैं। आइए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी वीडियो क्लिप देख लेते हैं। Fish market, you'll see lots of flying fish. But we saw more. Great customer service, teamwork, energy. दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं फिश फिलॉसफी की हिस्ट्री के बारे में। अमेरिका के वॉशिंगटन के सियाटल में 1930 में एक फिश मार्केट की स्थापना हुई जिसका नाम है पाइल प्लेस फिश मार्केट। ये फिश मार्केट दुनिया की सबसे फेमस फिश मार्केट बन गई एक फिलॉसफी का यूज करके, जिसका नाम है फिश फिलॉसफी। दोस्तों, इसकी स्थापना 1930 में हुई थी और 1965 तक ही एवरेज चलती रही, और इसके ओनर ने इसको जॉन क्रिस्टेंसन को, जो कि फिश फिलॉसफी के क्रिएटर हैं, उनको बेच दिया। जॉन क्रिस्टेंसन ने कुछ सालों तक इस पर बहुत मेहनत की पर उतना रिजल्ट नहीं पाए जितना वो चाहते थे। तो दोस्तों, इसके बाद 1998 में इन्होंने फिश फिलॉसफी करके एक फिलॉसफी बनाई जिसके चार बिंदुओं पर उन्होंने मेन काम किया। सबसे पहला मेक देयर एटीट्यूड, सेकंड वन प्ले विद फन, नंबर थ्री मेक देयर डे, एंड नंबर फोर बी प्रेजेंस माइंड। उन्होंने इसके बाद अपनी कंपनी के लिए तीन स्ट्रेटजी बनाई। सबसे पहला हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद फन, सेकंड टीम वर्क विद ग्रेट एनर्जी, एंड नंबर थर्ड बेस्ट प्रोडक्ट विद ओवरनाइट शिपिंग। दोस्तों, इन स्ट्रेटेजी का उपयोग करके उनकी कंपनी वर्ल्ड फेमस बन गई और उनकी जो सेल है तीन गुना तक बढ़ गई। दोस्तों, जिन मुख्य बिंदुओं या मेन एलिमेंट्स पर ये फिलॉसफी काम करती है उसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला, चूज योर एटीट्यूड। दोस्तों, हम जब दिन की शुरुआत करते हैं या हम अपने काम की शुरुआत करते हैं तो हमें सबसे पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम अपना दिन कैसा बिताना चाहते हैं। क्या हम अपना दिन निराशा भरा या फिर गुस्से भरा और कंप्लेंट करते हुए बिताना चाहते हैं, या फिर हम अपना दिन बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ और जोश से भरा हुआ बिताना चाहते हैं। तो जैसे कि अब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम मेन्यू कार्ड में से देखकर उस मेन्यू को चुनते हैं, ऐसे ही ज़िंदगी भी हमें मेन्यू कार्ड देती है। उसमें प्रत्येक दिन का विकल्प लिखा होता है कि हम अपना दिन नॉर्मल तरीके से बिताना चाहेंगे या फिर बहुत ही एनर्जी भरा हम अपना दिन बिताएंगे। तो दोस्तों, ये चुनाव जब हम करते हैं हमारे दिन को निर्धारित करता है और हमारा चुना हुआ दिन हमारी ज़िंदगी को निर्धारित करता है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि चूज योर एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, किसी भी काम को, किसी भी दिन को शुरू करने से पहले। सेकंड पॉइंट है प्ले विद फन। जब भी हम किसी काम की शुरुआत करें, जब भी हम किसी काम को करें, पूरे गंभीरता से, पूरे सीरियस होकर हम उस काम को करना चाहिए, और हो सके तो हम उसमें कुछ ना कुछ ऐसा फन एलिमेंट ऐड कर दें जिससे वो काम पूरा मनोरंजक बन जाए, पूरा ऐसा बन जाए कि जिसे करने में हमें बहुत मज़ा आए। दोस्तों, ऐसा करके हम बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं और इससे हमें जो एनर्जी मिलती है वो हमें कभी थकने नहीं देती। थर्ड पॉइंट है मेक देयर डे। दोस्तों, जब हम अपने काम को करते हैं तो अपने कस्टमर के प्रति भी बहुत हमें अटेंशन देनी चाहिए। इस पॉइंट के अनुसार जब हम अपने कस्टमर से खेल खेल में कनेक्ट हो जाते हैं तो हमें उनके दिन को, उस पल को या उस दिन को हमें ऐसे तरीके खोजने चाहिए जिससे कि वो पल, वो दिन उनके लिए यादगार बन जाए।
दोस्तों नंबर फोर्थ पॉइंट है बी प्रेजेंस इन माइंड। इसका मतलब है कि जब भी हम कोई काम करें पूरी अटेंशन के साथ करें, पूरी गंभीरता के साथ करें, और हम हमेशा ख्याल रखें कि जो हमारे साथ जो कस्टमर है या हमारा जो काम है कभी सफर ना हो, उसको हम पूरी पूरी अटेंशन के साथ कंप्लीट करें। दोस्तों कहा जाता है टेक योर वर्क सीरियसली बट नॉट मेक यू सीरियस। इस तरीके से ये चार मुख्य पॉइंट काम करते हैं फिश फिलोसफी के अंदर, जिससे आप अपने बिजनेस को अपनी जॉब को पूरा खुशनुमा बनाकर वो रिजल्ट अचीव कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, और अपने काम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। दोस्तों लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगा कि क्या आप अपने काम को बोरिंग तरीके से कर रहे हैं या सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा ना करके हमें अपने काम को रोचक, ऐसा मज़ेदार बना देना चाहिए जिससे कि हमें उस काम को करने में मज़ा आए। अगर अभी भी आपने ये वीडियोस या ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।